आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आर्यंस और द्रविड़ियन में क्या फर्क, क्या अंतर या क्या समानता है। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को आर्यों के रूप में संदर्भित किया गया है और दक्षिण भारत से संबंधित लोगों को पिछले कई शताब्दियों से लोग द्रविड़ियों के रूप में चिन्हित किया गया है। How and when this division of Indian people came along is questionable and indeed full of anomalies. अभी कैसे और कब भारतीय लोग इस विभाजन के साथ आए, ये एक संदिग्ध और वास्तव में विसंगतियों से भरा हुआ है। तथ्य ये है कि त्वचा के रंग के साथ साथ भाषाओं में मतभेद भी है। लोगों ने इसे विरोधाभास में किया है जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था, जिससे भारतीय लोगों को विभाजित किया जा सके ताकि उन्हें आसानी से शासन कर सके। यह अंग्रेजों के हितों के अनुकूल है, उस वक्त अनुकूल था एक्चुअली। यह अनुकूल है कि भारतीयों को अपने नस्लीय संबद्धताओं के आधार पर विभाजित करने के लिए, और उन्हें चतुराई से यह किया, उन्हें चतुराई से भारतीयों को दो अलग दौड़ में विभाजित करके कहा कि द्रविड़ियन भारत के दक्षिण में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि द्रविड़ियन देश के मूल निवासी हैं और वे देश के सभी हिस्सों में रहते थे। जब तक आर्यों ने देश से उत्तर में नहीं पहुंचे और द्रविड़ियों को देश में नीचे की ओर ढकेल दिया, जिससे कि वे दक्षिण में ही सीमित रहे, जबकि आर्यों का वर्चस्व उत्तर और मध्य भारत में रहा। भारतीयों के विश्वास करने के लिए बनाया गया था कि उत्तर भारतीय आर्यों के वंशज हैं, जबकि दक्षिण भारतीय द्रविड़ियों के वंशज हैं। तथ्य यह है कि उत्तर भारत में रह रहे जनजातियों और ब्रिटिश काल के रहने वाले जनजातियों के बीच खाने के आदतों के अलावा भाषा, संस्कृति, कला और कपड़ों के संदर्भ में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रिटिश द्वारा सुझाई गई दौड़ के इस भेदभाव की पुष्टि करने में मदद की गई। एक्चुअली में दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ रेसेस एज सजेस्टेड बाय द ब्रिटिश, ये सब ब्रिटिश की चाल थी। अभी माना जाता है कि भारत में जाति व्यवस्था ने आर्यों के आने से जन्म लिया था, जिन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वर्ग को चुना और द्रविड़ियों के लिए शूद्रों की नीच श्रेणी को छोड़ दी, और आर्यों के वंशज जो आर्यों और स्थानीय द्रविड़ियों के बीच के क्रॉस के परिणाम थे। मतलब व्हाट आई मीन टू से, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस who chose the classes of Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas and left the lowly category of Sudras for the Dravidians and the descendants of Aryans that were result of cross between Aryans and the local Dravidians. वास्तव में भारतीय लोक कथाओं में कई कहानियां हैं जहां मेले में चमड़ी आर्य और अंधेरे चमड़ी मतलब द्रविड़ियों के बारे में बताया गया है। मतलब यहाँ पे फेयर स्किन और डार्क स्किन वाली बात आ जाती है, मतलब जो गोरे हुए वे आर्य हुए और जो काले टाइप के हुए द्रविड़ हो गए। लेकिन तथ्य यह है कि भारत के आर्यन आक्रमण की तारीख करीब 1500 ईसा पूर्व है। अब आप सोच लीजिए, हिंदू रिलीजन हैव टेकन प्लेस मच बिफोर दिस डेट। So, for centuries, we believed that Aryans were aliens who invaded India coming from Iran and southern Russia. हम तो ये मानते हैं। They crushed Dravidians and pushed them downwards and into mountains and forests. उन्होंने द्रविड़ियनों को भगा दिया, नीचे की तरफ भेज दिया, साउथ की तरफ भेज दिया। हालांकि भारतीयों का आर्यों और द्रविड़ियों में यह विभाजन वैध और उचित नहीं है,
जैसा कि हाल के निष्कर्षों से स्पष्ट है, जो पुरातत्वविदों ने प्रकाश में लाया है। माना जाता है कि रामायण के जो युद्ध हुआ था, जहां आर्यों ने दक्षिणी और फिर महाभारत वाली भी लड़ाई भी की थी, पांडवों और कौरवों के बीच की महाकाव्य लड़ाई कम से कम 7,000 साल पहले हुई थी, जो आर्यन आक्रमण की संभावित तारीख से बहुत पहले है। संभव है कि यूरोपीय विद्वान, जो आर्यों और द्रविड़ियों के विरोधाभास की सदस्यता लेते हैं, उनकी तरफ पक्षधर हैं। शब्द आर्य, जो संस्कृत भाषा से आता है, उसका उपयोग करने में विफल रहा है, और शुद्ध या अच्छे का अर्थ है आर्य। मतलब इट इज पॉसिबल डेट यूरोपियन स्कॉलर्स हु सब्सक्राइब टू द डिकोटमी ऑफ आर्यंस एंड ड्रविडियंस फेल टू सी द यूज ऑफ द वर्ड आर्य विच कम्स फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज एंड मीन्स द प्योर और गुड। स्वास्तिक, जो कि जर्मनी में नाचियों द्वारा अपनाया गया प्रतीक है और दावा करता है कि वे स्वयं हिंदू ग्रंथों में पाए जाते हैं, और आर्य जनजातियों को आर्यों ने भारत पर आक्रमण करने से पहले प्राचीन भारत में रहने का श्रेय दिया था। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्यंस एंड ड्रविड़ियंस लाइन टू लाइन। इंडियंस वे डिवाइडेड इनटू आर्यंस एंड ड्रविड़ियंस बाय ब्रिटिश टू सूट द इंटरेस्ट एंड टू रूल द पीपल ऑफ द कंट्री इजिली। ये सब ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश द्वारा ही भारतीयों और आर्यों और द्रविड़ियों में बांट दिया गया, ताकि वे अपनी रुचि के अनुरूप हों और देश के लोगों को आसानी से शासन कर सके। उत्तर भारतीयों, मतलब जो आर्य हो गया, और दक्षिण भारतीयों द्रविड़ियन के बीच कथित अंतर के कारण यह विरोधाभास फैलाना आसान था उनके लिए। आर्यों को चमड़ी, लंबाई और द्रविड़ियों के एक अलग भाषा के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब आर्यंस वे फेयर स्किन्ड, टॉल and spoke a different language from Dravidians who were dark, short and spoke Dravidian language. हाल की खुदाई से साबित हुआ कि आर्यों ने भारत में बहुत देर बाद पहुंचे हैं वो लोग, जबकि भारतीय समाज को जातियों में विभाजित किया गया था लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। यूरोपीय विद्वानों को इतिहास लिखना नहीं चाहिए था जो उन्होंने लिख दिया। उन्हें संस्कृत के भी जो गलत इस्तेमाल किए हुए हैं, मतलब सिंपल में आप कहें तो यूरोपियन स्कॉलर्स राइटिंग हिस्ट्री डिड नॉट थिंक मच अबाउट द वर्ड आर्य यूज्ड इन संस्कृत विच मीन्स प्योर एंड गुड। तो बेसिकली आर्यंस और द्रविड़ी में फर्क यही है, या समानता कह लीजिए, जो भी यही है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।